दिल्ली के प्रगति मैदान में एक जो एक मिलीबॉल इंडिया के नाम से एक ऐसा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है जिसमें देश की सुरक्षा एजेंसियों और व्यवस्था जो है उसका फायदा जरूर होगा। इसमें नामी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं और हथियार प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय सेना हो या सुरक्षा एजेंसियां, सभी को अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है। यह है दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ वेस्ट, जिसका वजन सिर्फ 750 ग्राम है। ये चश्मे पल भर में दुश्मन की पहचान कर सकते हैं। स्मार्ट गॉगल्स हैं, इसमें स्क्रीन लगा है और कैमरा लगा है। जैसे ही पुलिस के पास और CCTNS जो भारत सरकार की पुलिस की एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसमें सब क्रिमिनल का डाटाबेस रहता है। वो डाटाबेस को वो अपने सर्वर में रखते हैं और उसी से उन लोग कनेक्ट करके बाद में ये गॉगल्स के थ्रू जैसे ही वो आदमी उसके सामने आएगा तुरंत ही वो रिजल्ट इसके स्क्रीन में भी दिखेगा। इसके अलावा ये जो इनके पास डिवाइस है उसमें भी दिखेगा। ये वर्ल्ड की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ वेस्ट है। ये VIP के लिए बनाया गया है। इसको जनरली जितने हमने 40 डिफरेंट VIPs की जो हत्याएं हुई है गोली से उसको स्टडी करके इसमें हमने क्रिटिकल एरिया को कवर किया है। आपने पुलिस और सेना को स्निफर डॉग का इस्तेमाल करते हुए तो देखा होगा, लेकिन अब रोबोट डॉग सूंघ कर विस्फोटक ढूंढेंगे। ये काम AI टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हुआ है। डॉग की नाक की तरह है ये, ऊपर जब जाएगा हवे में तो 1 मीटर तक जाएगा, नीचे ज़मीन में 50 सेंटीमीटर तक सूंघ सकता है। और ये एक्चुअल EVD है, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, जो किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव जो वर्ल्ड वाइड है उसको सूंघ के आपको बता देगा कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव है। मोबाइल तो आजकल सभी के पास होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल नंबर ही आपकी पहचान भी है? ये नई टेक्नोलॉजी आसपास के मोबाइल नंबर और उनकी जगहों के बारे में जानकारी देती है। ये देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ ग्राफ्स बना रखे हैं, जैसे कि अगर कहीं डिजास्टर में कुछ हुआ है, कोई डिजास्टर हो गया है, सारे टावर्स गिर गए हैं, तो वहाँ पर कनेक्शन देंगे। और जैसे आप देख रहे हैं इसमें नंबर्स में दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर्स वहाँ पर इनके स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो अगर वहाँ पर 100 लोग दबे होंगे तो 100 मोबाइल नंबर्स वहाँ पर फ्लैश कर जाएंगे और इनफैक्ट उनकी लोकेशन भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आप वहाँ पर जा कर के उन लोगों की उस समय मदद कर सकते हैं। इसमें हम जो भी सिक्योरिटी और सर्विलेंस से रिलेटेड है, मेनली मोबाइल इंटेलिजेंस, पेरीमीटर, बॉर्डर, प्रिजन के सिस्टम और जो भी चीज़ें घर के लिए, बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो सॉल्यूशन बनाएं, और ये सारे ही सॉल्यूशन विश्व में पहली बार हुए हैं। युद्ध क्षेत्र में अगर भारी सामान ले जाना हो या कोई साथी घायल हो जाए तो उसे उठाकर ले जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब इस नई बीस्ट नाम की मशीन से ये कर पाना आसान हो गया है। इसके जो टायर्स है वो पंचर प्रूफ है, तो वो पंचर नहीं होते हैं क्योंकि एयरलेस टायर्स है। तो ऐसे में जो भारतीय सेना है उनको काफ़ी मदद मिलेगी, चाहे वो एम्यूनेशन ले जाने में हो, भारी चीज़ें जो कि 120 केजी के आसपास की जो भारी चीज़ें हैं जिनमें वो जिनके लिए वो अक्सर जानवरों का इस्तेमाल करते थे या खुद से उठाते थे, उसके लिए ये बीस्ट नाम की मशीन यहाँ पर तैयार कर दी गई है और आर्मी ने इसका इस्तेमाल फिलहाल शुरू भी कर दिया है। शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV दिल्ली।